अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी। उसके लिए सबसे पहले हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अब हमने प्याज को कट कर लिया है। अब हम इसे प्याज ऑयल में डालेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। लाइट ब्राउन सा प्याज करेंगे। अब हमने इसके बीच में बोनलेस चिकन ऐड करना है, उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने एक टमाटर लेना है, 2 अदद सब्स मिर्च लेनी है और इसे हमने कट करके बोनलेस चिकन में ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसके बीच में शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है ये ड्राई हो जाएगा। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून मायोनीज और 2 टेबल स्पून केचप ऐड करनी है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स कर ली। मैक्रोनी को हमने पहले ही उबाल के रख दिया था। अब हम मसाले में इसे ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी केचप ऐड कर दी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को।